शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे हमीरपुर के बस अड्डे के ठीक सामने बरसात के दौरान सीवरेज ओवरफ्लो होने की खबर को चैनल में उठाने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सीवरेज को तो ठीक कर दिया, लेकिन उस जगह से सड़क की हुई खुदाई से सड़क में बिखरी बजरी को उठाना और सड़क को वाहन चालकों के लिए दुरुस्त करना भूल गई, जो कि किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। सड़क के दुरुस्त न किए जाने से जहां एक और दो पहिया वाहन चालकों को जान जोखिम में डालकर चलना पड़ रहा है, वहीं राहगीरों व आसपास के दुकानदारों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस नेशनल हाईवे से दिन भर हजारों वाहनों की आवाजाही होती है, लेकिन सड़क की इस प्रकार की खस्ता हालत से वाहन चालकों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क को दुरुस्त किए जाने से गत रात भी दो पहिया वाहन चालक घायल हुए हैं, जिसको लेकर लोगों ने प्रशासन के इस ढुलमुल रवैये पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। दुकानदार ने बताया कि गत रात यहां पर दो पहिया वाहन कंक्रीट पर फिसल गया था, जिसकी वजह से वाहन चालक घायल हो गए थे। उन्होंने कहा कि अभी तक सड़क पर पड़ी कंक्रीट को प्रशासन द्वारा नहीं उठाया गया है, जिसको दुकानदारों द्वारा सड़क से उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस पर जल्द कार्रवाई करे ताकि लोगों को आवाजाही में दिक्कतें ना हो। एकदम से स्पीड हो गई, आज भी सुबह पुलिस वाले ने ये चक्का उठवा के यहाँ पे गिरवाया। ये शनिवार का चैम्बर बना हुआ है, लेकिन अभी तक ये जो कंक्रीट है वो अभी तक नहीं उठाई गई। ये खुद दुकानदार इसको हटा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं इसको इकट्ठा करके, और ये चक्का उठा के हमने सुबह यहाँ रखा। सुबह उठा के ये चक्का जो है हमने उठाया। यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कोई भी स्कूटर वाला बाइक वाला स्कूटर वाला यहाँ पे गिर सकता है। तो ये फुटपाथ का है जो अभी तक नहीं बना हुआ है, दो महीने हो गए इसको। क्या प्रशासन इस फुटपाथ को बनाना चाहता है या फिर दुकानदारों को तंग करना चाहता है? मेरी जो प्रशासन की यही मांग है कि इस फुटपाथ को जल्दी से जल्दी बनाया जाए।